छात्र अभिभावक मंच ने प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस व उनकी मनमानी को रोकने के लिए रिज मैदान में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। यह हस्ताक्षर अभियान हर स्कूल के बाहर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अभिभावकों के हजारों हस्ताक्षर इकट्ठे करके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे व प्राइवेट स्कूलों को संचालित करने के लिए रेगुलेटरी एक्ट लाने की मांग की जाएगी। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि मंच का प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्राइवेट स्कूलों की लूट व मनमानी के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा सचिव से मिलेगा तथा हजारों एकत्रित हस्ताक्षर उनको सौंपेगा। उन्होंने मांग की है कि 3 वर्ष पूर्व डीसी शिमला द्वारा प्राइवेट स्कूलों की रेगुलेशन को लेकर एडीएम शिमला की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। आज ये जो हस्ताक्षर अभियान आपने रखा है छात्र अभिभावक मंच ने, किन मुद्दों को लेकर ये हस्ताक्षर अभियान रखा है? छात्र अभिभावक मंच की ओर से आज से हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पिछले लगभग 20 दिनों से जो हम एक आंदोलन कर रहे हैं शिमला शहर के अंदर, जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, लूट है, भारी फीसें हैं, इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके अगले चरण के रूप में इस हस्ताक्षर अभियान को शुरू किया है। और लगभग 8-10 दिन के बाद जो है हज़ारों इस तरीके के हस्ताक्षर इकट्ठा करके जो है पेरेंट्स के, अभिभावकों के, मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले हैं, उनको सौंपने वाले हैं। पीछे भी हम जो है शिक्षा मंत्री से मिले थे और हमने ये मांग की थी कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, लूट और भारी फीसों के खिलाफ जो है प्रदेश के अंदर एक रेगुलेटरी एक्ट लाना चाहिए। दूसरे प्रदेशों के अंदर भी ऐसे एक्ट हैं, ऐसे कानून हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं ये लागू किए जाते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि CBSE की जो 2005 की गाइडलाइंस हैं उनको लागू नहीं किया जाता है। शिक्षा का अधिकार कानून 2006 का, उसको लागू नहीं किया जाता है। फीसों के रूप में भारी भरकम ठगी की जाती है। किताबों और ड्रेस के नाम पर जो है हज़ारों रुपये का ठगठोरी जो है इन स्कूलों के अंदर चलती है। तो कुल मिलाकर जो है अभिभावक परेशान है, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन जो है बिल्कुल खामोश है, इस विषय में कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए ऐसा हस्ताक्षर अभियान शुरू करके जो है 8-10 दिन के बाद जो है हम इस तरीके से हज़ारों की तादाद में सिग्नेचर इकट्ठा करके जो है मुख्यमंत्री मोदी से मिलेंगे, उनको सौंपेंगे। और ये एक आंदोलन का चरण है, इसके आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बड़े आंदोलन की ओर भी हम आगे बढ़ेंगे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट।